बच्चों, ये जो वीडियो है क्लास थर्ड के लिए, ठीक है। आज हम एक्सरसाइज 1.4 करने वाले हैं, ठीक है। राइट द नंबर्स, तो हमें नंबर लिखना है, ठीक है। तो कोई भी नंबर है, तो क्या बोला है क्वेश्चन पहला है, इसमें बोला है कि वन मोर देन 5168, ठीक है। तो वन मोर करना है, मोर देन मतलब प्लस करना है, ठीक है। तो इस नंबर में हमें वन को ऐड कर देना है। तो अगर हम वन ऐड करेंगे इसमें, तो देखो क्या आना चाहिए, 5168। तो अगर इसमें वन ऐड कर देते हैं, मोर का मतलब वन ऐड करना है, ठीक है। तो 8 और 1 9 6 1 5, वन ऐड हो जाएगा तो 8 के प्लेस पे क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। तो 5169, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन हमारा है, वन लेस देन 5283। जब भी लेस देन आएगा तो माइनस करना है, वन माइनस करना है, ठीक है। तो वन माइनस कर लेते हैं, तो अगर माइनस करेंगे तो बताओ, यहाँ पे यहाँ 3 है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। वन माइनस कर लेते हैं, तो वन माइनस करेंगे तो यहाँ क्या आएगा, 2 आ जाएगा। तो 5282 हो जाएगा। फिर से कि वन लेस देन 6000, तो 6000 में से वन को हमें लेस करना है, ठीक है। तो 6000 लिखा मैंने, इसमें से वन को माइनस कर देते हैं, तो वन में जीरो में से वन तो जाएगा नहीं, तो यहाँ से लेंगे कैरी लेंगे 6 से, तो यहाँ 10। अब यहाँ 10 से वन लिया, तो यहाँ 10 हुआ, यहाँ बचा 9 और यहाँ बचा 5। फिर से यहाँ से लिया तो यहाँ हुआ 10, अगर 10 से फिर से 1 लिया तो यहाँ होगा 9 और यहाँ हो जाएगा 10। तो 10 में से 1 जाएगा 9 9 9 5, तो 5999 आ जाएगा, ठीक है बच्चों। तो ऐसे करना है हमको। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राइट प्री डिसीजर ऑफ द फॉलोइंग नंबर, ठीक है। तो प्री डिसीजर का मतलब होता है वन माइनस करना, ठीक है। जैसे यहाँ वन लेस देन था, लेस देन का मतलब भी वन माइनस करना होता है। प्री डिसीजर का मतलब होता है उससे जस्ट पहले, मतलब वन माइनस कर देते हैं, ठीक है। तो इस नंबर में से हमें वन को माइनस करना है, तो अगर जैसे ही वन माइनस करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ 6 है, वहाँ 5 आ जाएगा। माइनस करके देख लेना आप लोग, 6 2 9 5 बन जाएगा। अगर माइनस करते हैं तो क्या आएगा, ऐसे तो आएगा 6 में से बन जाएगा 5927, ठीक है। तो आंसर हमारा ये है। ये काम आपको रफ में करना है, ठीक है, इस कॉपी में, फेयर कॉपी में नहीं दिखाना है। फिर इससे वन माइनस करना, तो जैसे इससे वन माइनस करेंगे तो यहाँ पे 65 ही जाए, कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा, बाकी वही रह जाएगा। तो 7964। नेक्स्ट है 8700 है, तो 8700 में से वन माइनस करते हैं, तो करके देखते हैं क्या आएगा। वन माइनस करते हैं तो 7 में से वन ले लेंगे, यहाँ 10 और 10 में से वन ले लेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 10, यहाँ बचेगा 9, 10 में से वन जाएगा 9, यहाँ बचा 9 और यहाँ जाएगा 6, तो ये कितना आ जाएगा, 8699। इसमें से वन माइनस करें तो 64 के प्लेस पर कितना हो जाएगा, 63 हो जाएगा, 2363। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द सक्सेसर ऑफ द फॉलोइंग नंबर। सक्सेसर का मतलब होता है प्लस वन करना, तो प्लस वन, तो 59 प्लस वन कर देते हैं तो कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा, तो 2860, ठीक है। ये है 1364। इसमें से वन ऐड करेंगे तो क्या आएगा, वन प्लस कर लेते हैं, आप चाहो तो करके भी देख सकते हैं, और इसमें भी हम ऐसे कर सकते थे, इस वाले में भी, ठीक है, इस वाले में भी प्लस वन कर सकते थे, करके भी दे सकते हैं, और साथ नहीं तो डायरेक्टली भी ले सकते हैं। तो 9 और 1 10, कैरी 1 5 और 1 6 2 8 आ जाएगा। ऐसे इसमें वन ऐड करके देख लेते हैं, तो वन ऐड करेंगे तो 4 और 1 5 6 1 3, तो कितना आ जाएगा, 1365। इस तरीके से हमें सारे क्वेश्चन करने हैं, ठीक है, अच्छे से सारे क्वेश्चन हमें ध्यान से करने हैं। थैंक यू।